साथियों आज कुछ नया देखने को मिला यहाँ पर। जानते हैं ये डॉग्स के लिए क्या चीज है और कैसे ये काम करती है और ये कौन सी कंपनी है। भैया नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बढ़िया सर। ये मैंने डॉग्स में पहली बार मैंने ये जो है प्रोडक्ट जो है देखा है डॉग्स के लिए। जी, ये क्या चीज है? ये कोई नई मार्केट में आई है या पुरानी कंपनी है? सर मैं पहले बताना चाहूंगा, ये नई मार्केट में नहीं आई है, टाइम से है, लेकिन ये पंजाब नॉर्थ जोन में ये रीस्टार्ट हुई है। अदरवाइज ये जो ब्रांड है ये ऑलमोस्ट 155 साल पुराना ब्रांड है। ये नेस्ले का फूड है, डॉग फूड है, नेस्ले पुरीना में है, ब्रांड नेम इज पुरीना। और बाकी हमारे पास जो वेरिएंट है, अलग अलग वेरिएंट है। प्रीमियम कैटेगरी में हमारे पास सुपर कोट रेंज आ जाती है, सुपर प्रीमियम कैटेगरी में प्रो प्लान रेंज आती है, ठीक है। और कैट में हमारे पास फिलिक्स ग्रेवी यहाँ पे अवेलेबल है, कैट में ड्राई फूड भी आता है हमारे पास। जी जी। लेकिन फिलहाल हमारे पास ये अवेलेबिलिटी है यहाँ पे। लोगों के दिमाग में एक ब्रांड छाया हुआ है, वो आप भी जानते हैं। जी, उसका हम नाम नहीं ले सकते। आप ये बताइए कि सर ये उसके मुकाबले ये बेटर कैसे है, बेस्ट कैसे? आपको वैसे बताता हूँ जी, हमारा जितना फूड है सबसे बड़े स्पेशलिटी क्या है कि ये R&D किए हुए प्रोडक्ट्स है। इनके खुद के रिसर्च प्लांट्स है पुरीना के। और उससे बड़ी बात है कि इतना ओल्ड ब्रांड है, ये स्टडी कर करके ही आगे बढ़ा है। ऐसा नहीं है कि रातों रात में यहाँ तक पहुँच गया है। जी जी। अगर आप वर्ल्ड वाइड स्टडी करेंगे तो पुरीना एक बहुत एस्टेब्लिश ब्रांड है। ओके जी। और दूसरी मैं बात बताता हूँ कि जैसे हमारी प्रीमियम कैटेगरी भी है सुपर कोट, इसमें भी हमारे सोर्सेज नेचुरल है, आर्टिफिशियल सोर्सेज कुछ नहीं है, नेचुरल प्रिजर्वेटिव है। तो फूड में जो क्वालिटी है वो ऑलवेज मैटर करती है, क्योंकि खाने वाली चीज है, न्यूट्रिशन में हमेशा अगर क्वालिटी रहेगी तभी लॉन्ग टाइम में ब्रांड चल पाता है। जी 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 जी। इसकी क्या कॉस्ट क्या रहती है आप ये बताइए फिलहाल? देखो जैसे हमारे पास 3 kg की पैकिंग अराउंड 860 के आसपास है पपी की, और 820 के आसपास एडल्ट की है सुपर कोट की। और नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास प्रो प्लान है, जो जिसकी 2.5 kg का पैकिंग जो करीब अराउंड 2500 MRP के रेट में है, 12 kg का करीब 8000 में। प्रो प्लान कैटेगरी जो है वो सुपर प्रीमियम कैटेगरी में आती है। तो उसकी डिलीवरी जो है जो अवेलेबिलिटी वो कैसे हो पाती है? सर अवेलेबिलिटी है, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं मोस्टली, जैसे अभी पंजाब में जलंधर में डिस्ट्रीब्यूटर है, लुधियाना में है, फिर चंडीगढ़ में आपको अवेलेबिलिटी है। जलंधर से अगर हम लोग जलंधर में इस समय खड़े हैं लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जलंधर में बताइए कहाँ से ये प्रोडक्ट? हमारा डिस्ट्रीब्यूटर जलंधर लोकल पेट शॉप में अवेलेबिलिटी है हमारी। यहाँ पे कैंट में बसरा पेट शॉप है, पैटर्न पैराडाइज है, फगवाड़ा में पंजाब पेट पॉइंट है, बलविंदर जी हैं, उनकी शॉप पे भी अवेलेबिलिटी है हमारी। अमृतसर में कैनाइज पेट शॉप पे अवेलेबल है हमारी। लुधियाना और लुधियाना में आपको ऑलमोस्ट सभी पेट शॉप पे अवेलेबल है। नंबर वन पेट शॉप है, जोत पेट शॉप है, गोल्ड स्टार पेट शॉप है, सैगल पेट स्मार्ट है, इन पे अवेलेबिलिटी है। और लीडिंग पेट स्टोर जितने हैं सभी जगह अवेलेबल है सर। इससे इस डाइट को लेने के बाद जो है वो सारी रिक्वायरमेंट जो है डॉक्टर पूरी हो जाती है? डेफिनेटली ये न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है। सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप अदर कोई भी इकोनॉमिक फूड यूज कर रहे हैं तो उसके सोर्सेज चेक करें। सोर्सेज जो है वो दे आर यूजिंग बाय प्रोडक्ट चिकन, जो चिकन बाय प्रोडक्ट है दैट इज मेन, वो वेस्टेज यूज कर रहे हैं प्रोटीन सोर्स के लिए। आप अपने कॉन्टेक्ट नंबर दीजिए, अगर लोगों को कुछ क्वेरीज हो या परचेस करना हो तो आपसे संपर्क कर सकते हैं। अपना नंबर जी, माई सेल्फ विशव, और मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9881 94587। मैं पंजाब और J&K कैरी का एज ए मैनेजर मैं देखता हूँ मार्केट। साथियों देखिए प्रोडक्ट ये मार्केट में आया है, कंपनी 155 साल पुरानी कंपनी है, विश्वास है नेस्ले का पूरे इंडिया में, दूध भी लोग उनका पीते हैं और प्रोडक्ट्स और सारी बहुत सारे यूज करते हैं, विश्वास वाली कंपनी है। आप भी अपने जो एनिमल्स को है ये पेट्स को ये फीड खिला के एक बार जरूर देखें कैसी ग्रोथ मिलती है आपके एनिमल्स को। धन्यवाद साथियों आपका। सत श्रीकाल सर। सत श्रीकाल जी। सत श्रीकाल जी। सत श्रीकाल सर। कौन सी ब्रीड लेके आए आज आप? ये ग्रेडियन ब्रीड है जी। इसकी खासियत क्या है सर? बहुत बड़ी हाइट है इसकी। इसकी हाइट बड़ी है, आवाज बहुत है, डर बहुत है। अच्छा जी। घर की सुरक्षा के लिए आप रखोगे तो लोग वैसे डरते हैं। ओके। आपने शौक के लिए रखा हुआ ये? तो आपको कैनल क्लब या सेल एंड परचेज का काम नहीं, आपने सिर्फ शौक के लिए रखा हुआ है? शौक के लिए। सर इसके डाइट पे क्या ध्यान दिया जाता है? डाइट इसकी, इसकी डाइट का बहुत है, इसके मतलब जो बोन्स ने हैवी बोन का है ये डॉग। ओके। एंड अगर इसको आप डाइट सही नहीं दोगे जी तो इसकी जो मतलब टांगे टेढ़ी हो जाती है। ओके। जो पैर वो है हाँ, इसको कैल्शियम मुड़ जाते हैं, कैल्शियम बहुत चाहिए, कैल्शियम वाला डॉग है, कैल्शियम बहुत चाहिए तभी सीधा हो पाएगा, नहीं तो नहीं। ओके। तो आपका ये शौक कैसे है इस ब्रीड का? शौक ऐसे है, देख के जब मतलब अच्छा कोई जानवर देखते हैं तो शौक तो पैदा। तो आप सरकारी जॉब पे रहे हैं या कोई किसान? मैं वैसे पहले आर्मी में रहा हूँ। ओके। आर्मी से आप रिटायर्ड हैं? आर्मी रिटायर। ओके।
साथियों देखिए सर ने ये डॉग ब्रीड बहुत बड़ी ब्रीड पालक की, ये आम व्यक्ति की बस की बात नहीं है। सर कह रहे इसकी खुराक बहुत है, कैल्शियम बहुत चाहिए इसे और फिटनेस इसकी जरूरी, मेंटेन रखनी बहुत जरूरी है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों को आप क्या राय देंगे, ये ब्रीड पालनी चाहिए या किन लोगों को रखनी चाहिए ब्रीड? तो जिसको शौक है वो ही रख सकता है, हमें जबरदस्ती रखने से अगर इसकी देखभाल नहीं होगी तो नहीं होगा, कोई शोषण हो जाएगा इसका, मतलब वो तो फिर टाइम पास के लिए है। जी जी, बट अगर रखना तो उसको अच्छी तरह रखो। धन्यवाद सर। नमस्कार मैम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। अभी मैंने काफी देर से देख रहा हूँ कि आप हर एक डॉग ब्रीड को बड़े प्यार कर रही हैं आप जी। ऐसा क्यों है, कैसे है और अपना नाम बताइए आप? तो मेरा नाम अलीशा है और ऐसा मैंने कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया हुआ है, जैसे स्ट्रीट है या ब्रीड है, मैं सबको बहुत प्यार करती हूँ। क्योंकि पहली बात तो वो बोल नहीं सकते, उन्हें दर्द हो रहा है या फिर कुछ हो रहा है, तो उनकी हेल्प करें और उनके हॉस्पिटल लेके जाएं जैसे भी हो तो वो ठीक रहता है। जैसे गाय हो गई या उनको चोट लग गई या फिर इनको भी चोट लग जाती है या इनको वो पारवो हो जाता है तो पता नहीं चलता है हमें, तो हमें जब पता चलता है कि उनको ऐसा हो रहा है तो उन्हें गाइड करना चाहिए, उनका ट्रीटमेंट करना चाहिए बस। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे पूरे इंडिया में या पूरी दुनिया में जो लोग एनिमल लवर्स हैं या एनिमल्स को जो हिट करते हैं ज्यादातर, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? पहली बात तो ब्रीड, हाँ ठीक है कुछ लोगों का शौक होता है खरीदते हैं, लेकिन पहली बात तो स्ट्रीट को ही ज्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए क्योंकि उनका ही एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है रोड में, कोई देखता नहीं है, ऐसे छोड़ के चले जाते हैं, तो स्ट्रीट्स को ज्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप कहाँ से? उड़ीसा। उड़ीसा जी। थैंक यू सो मच। सत श्री अकाल वीर जी। सत श्री अकाल जी। सर कहाँ से आए आज आप जलंधर डॉग शो के अंदर? मैं जी पटियाले तो आया जी। पटियाले से आया? हाँ जी। हाँ जी। तो ये कौन कौन सी ब्रीड आज लेके आए आप? मेरे पास कली लैब्राडोर ही है जी। लैब्राडोर की? आप जी स्पेशल लैब्राडोर के ऊपर काम करते हैं आप? ओनली लैब्राडोर जी। तो आपके कैनल का क्या नाम है? मेरे कैनल का नाम है जी सुरिंदर लैंड लैब्राडोर कैनल जी। ओके, तो क्या कॉस्ट रहती है आपके इस लैब्राडोर की? क्या जी? लैब्राडोर की कॉस्ट क्या रहती है? जो लैब्राडोर होते जैसे वो अगर शो क्वालिटी बच्चा लेना किसी ने तो 1,00,000 रुपए का फी है। ओके। बाकी डिपेंड करता है उसकी क्वालिटी कैसी है। तो मेरे पास भी लैब्रा है, रशियन लैब्रा जो होती अच्छा। है ना, वो मेरे पास है। बहुत अच्छी ब्रीड है, बहुत शांत ब्रीड है। आपका क्या कहना कि जिन लोगों को घर में रखना हो ये ब्रीड कैसी रहेगी? इस ब्रीड से ऊपर कोई ब्रीड नहीं है जी। ओके। और घर में रखने के लिए बेस्ट ब्रीड है। बेस्ट ब्रीड, ये सच्ची बात है। मेरे पास भी जो पपी है ब्रीड है ना, ये लैब्रा इतनी शांत और इतनी बढ़िया, जहाँ जैसा बोलो वैसा करती है। बिल्कुल 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 जी। तो भैया आपका सेल एंड परचेज का काम भी है? नहीं नहीं नहीं, सिर्फ अपने कुत्ते बेचता हूँ घर के लिए, जो मतलब अपनी ब्रीडिंग के कुत्ते ही सेल करता हूँ। वही करते हैं आपने की स्पेशल लैब्रा के लिए? ओनली लैब्रा। तो अगर पूरे इंडिया में किसी को लैब्रा चाहिए तो क्या आप डिलीवर कर सकते हैं उसको? ऑल ओवर डिलीवरी हो जाती है जी। तो अपना कॉन्टेक्ट नंबर दीजिए और अपने आपका कोई चैनल भी है तो वो बताइए मुझे। हाँ जी, मेरा यूट्यूब पे भी चैनल है जी। किस नाम से? सुरिंदर लैंड लैब्राडोर कैनल का नाम भी है मेरा वो। okay. और मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो है 9877520051। ओके, तो भैया आप बहुत केयरिंग कर रहे हैं इस डॉग की। अब इसको डॉग शो में उतारना है इसको, इसका डॉग शो के लिए लेके आया। डॉग शो के लिए? कॉम्पिटिशन के लिए? कॉम्पिटिशन के लिए। ये ऑलरेडी जो पहले जीत चुकी है फीमेल। ओके, सिर्फ इसकी एक सीसी बाकी पड़ी है चैंपियन होने के लिए। ओके हाँ जी। हाँ